यहाँ पे क्वेश्चन 31 है बच्चों। इंडक्टर दिया हुआ है अपन को, कैपेसिटर भी दिया है और रेजिस्टेंस है ना, तीनों के टर्म सीरीज में लगे हुए हैं। प्रॉब्लम 31 देखते हैं। इंडक्टर दिया है 20 मिली हेनरी का, कैपेसिटर है 100 माइक्रो फैरेड और रेजिस्टेंस भी दिया है 50 ओम्स का, और सीरीज में कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं इस तरह से आर का टर्म बच्चों यहाँ पे 50 है और ये टर्म है 20 मिली हेनरी, इसको लिखा हुआ है 100 माइक्रो फैरेड, ठीक है। और वी का इंस्टेंटेनियस टर्म दिया है इस पैटर्न पे, मतलब क्या है, 10 वी नॉट आ गया और ये आ गया अपना ओमेगा। पावर लॉस सर्किट में बताना है, तो एक बात का ध्यान रहे, जो लॉस होता है ना बच्चों, लॉस इज ड्यू टू एक्टिव कंपोनेंट ऑफ पावर, ठीक है, एक्टिव कंपोनेंट। तो पावर एवरेज का एक फॉर्मूला हम समझते हैं, पी एफ ऑफ एवरेज, ये होता है वी आर एम एस आई आर एम एस और ये हो जाएगा कॉस फाई। इससे बहुत सारे फॉर्मूले बनाते हैं अपन, लेकिन जो काम का है अपन उसको डायरेक्ट बना लेते हैं। ये हो जाएगा वी आर, इसको लिख सकते हो फिर से वी आर बाय जेड, और ये तो पता होता है अपन को आर बाय जेड है, तो अल्टीमेटली क्या मिल रहा है, वी आर बाय जेड का होल स्क्वायर, और यहाँ मिल रहा है एक आर। ये आप लोगों का एक पावर एवरेज का टर्म आ रहा है, ठीक बच्चों। इसको अपन लोग जानते हैं कि वी नॉट बाय रूट टू भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक जेड आ रहा है, इस पूरे का स्क्वायर लगा हुआ है और आर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, और ये तो कांस्टेंट है, बस काम किसका पढ़ना है, जेड का, ठीक है। तो जेड निकाल लेते हैं अपन। जेड होता है इम्पिडेंस, इसका एक फॉर्मूला होता है, हम हमेशा से जानते हैं इस फॉर्मूले को। इसे लिखते हैं बच्चों आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस वन बाय ओमेगा सी, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ये एल का टर्म है, ठीक है। तो आर का जो टर्म है वो तो 50 है बच्चों, और यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा देखो ऊपर कितना लिखा है, 314। एल का टर्म आ रहा है 20, मिली स्टैंड्स फॉर -3, ठीक है, -1 अपॉन, फिर से आ गया अपना 314, और ये हो जाएगा 100 माइक्रो फैरेड। तो यहाँ 10^-4 कर देता हूँ मैं, ठीक है। और इस पूरे टर्म का स्क्वायर जब जेड अपन न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे ना इन टर्म्स को, तो आने लगेगा 56 ओम के बराबर। इसको यहाँ रख देते हैं और आंसर मिलने लग जाएगा। ये हो जाएगा 10/√2, नीचे आ रहा है अपने पास 56, ठीक है, इसका स्क्वायर लगाना है और आर कितना है, 50 है, ठीक है। फिर ये टर्म को न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेंगे तो 0.79 वॉट्स में आंसर मिलने लगेगा, और ये अपना ऑप्शन नंबर 4 मार्क होगा। दो फॉर्मूले लग रहे हैं इस क्वेश्चन में, एक तो ये वाला फॉर्मूला, और ये समझना है कि लॉस होती है वो एक्टिव कंपोनेंट से होती है, एवरेज पावर के टर्म से, ठीक है बच्चों। आइए आगे बढ़ते हैं।